तो गाइज अभी हमारा एक कोरियर आया हुआ है और हमें कुछ आइडिया नहीं हो क्या है। और ये दी क्या लेके आई है? चुका है। इसमें क्या है वो मैं अभी बोट आपको ओपन करके दिखा। बोट लिखा है इस पे। बोट मंगाई आपने? मैं ओपन करके दिखाती हूँ। बोट नहीं होगी ना वो, बोट एक क्या मंगाया है इसमें ना, मैं अभी बताऊंगी नहीं आप लोगों को, तुमको भी नहीं मालूम है। मतलब हमें बिना बताए इस घर में चीजें ऑर्डर हो जाती हैं, क्या हुआ? हमें बताया भी नहीं जाता। चलता है ना जो कपड़े वगैरह आते हैं इसमें, बोट के कंपनी के कपड़े, जो कपड़े वगैरह तुम्हारे लिए ऑर्डर होते हैं वो भी तो नहीं दिखाया देता ना। ऑर्डर देना है तो इनकी पैकिंग इतनी सारी होती है ना। एक मिनट, क्या है इसमें? वाओ, हाँ ये है हमारा, क्या है ये? अरे वो होता है ना जिससे फोन का वो कनेक्ट करते हैं। आई नो, आई गॉट इट। सो गाइस ये है हमारा जिसको हम कनेक्ट करते हैं उससे। और ठीक है, आपको पता है कि इनको हम किस में ज्वाइन करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अरे अभी तो ऊपर को निकलेगा पूरा डब्बा, उल्टा कर दो, निकालो ना यहाँ से। अरे उल्टा कर दो गाइस, कशिश चावला पे उल्टा करूंगी तो ये टूट जाएगा। पी कर नहीं निकाला जा रहा कशिश चावला पे। एक अरे सीजर मार, एक सेकंड, इसको पकड़ो कृष्णा। नहीं इसको नहीं पकड़ना है ना, नीचे से पकड़ो, नीचे से उसको हेलमेट से हट जाओ ना। निकाल लिया। ये क्या है? निकल गया शिखर धवन। ओके, न्यू स्पीकर मंगवाया आपने। ये मेरी जान है। I can't live without music guys. जहाँ कशिश है वहाँ म्यूजिक है, जहाँ म्यूजिक है वहाँ म्यूजिक की जगह मुझे तो कोई और दिख रहा है। नेक्स्ट जो मेरी रील्स हैं गाइस और जो भी मेरी वीडियोस आएंगी वो इसी म्यूजिक के साथ आएंगी। यू कैन वॉच, अभी मैं इसको ओपन करती हूँ ना। हाँ मैं इसको खोलती हूँ, ओपन करती हूँ इसको यहाँ से। ओह माय गॉड दीदी, आपने तो ईंट और पत्थर मंगाए नहीं, ईंट और पत्थर नहीं है ये, हाँ लेकिन कह सकते हैं वो आती ना एग की वो ट्रे आती है ना, ऐसी है सेम ऐसी आती है। चलो कोई नहीं, इसमें हम एक सेकेंड ही क्या है इसको हम बाद में निकालेंगे। फिर मैंने ओपन किया है गाइस इसको साइड। वाओ ओके गाइस, माइक भी आया है। ओह माय गॉड गाइस कितना अच्छा है ये। ओह माय गॉड गाइस सीरियसली आई कांट बिलीव दिस कि ये भी इसमें आने वाला था, पता था मुझे नहीं, मैं तुम भूल गई मैं तो, क्योंकि काफी दिन पहले मैंने किया था लेकिन मैं तो भूल भी गई थी कि मेरी कोई मतलब मैंने कुछ डिलीवर की। ये देखो खुद ऑर्डर कर, मैंने कुछ ऑर्डर किया था। हाँ, सॉरी, तो तुम लोगों के चक्कर में ना भूल जाती हूँ। ठीक है, तो अभी तो इसमें फाइनली जब जिस दिन मैं लाइव आऊंगी उस दिन मैं आपको डेफिनेटली इसमें अपना सिंगिंग करके दिखाने वाली हूँ गाइस। घुमा फिरा कर इंसल्ट हमारी होनी होती है। वैसे भी जो मेरा पहले वाला वो था ना उसको मुझे कलर बिल्कुल पसंद नहीं था यार, ब्लू वाला। और इसके साथ जो ये आया है ना, ये तो दीदी की फेवरेट चीज आ गई, ये तो मेरी फेवरेट है। इसको ये देखो, दीदी हमारे लिए छोड़ दो यार, ये हमारे लिए छोड़ दो अब। नहीं 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 इसमें ले लो, नहीं काहे दो उसको, नहीं दो, नहीं दो ना जल्दी, नहीं दिस इज फॉर अस, यू 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 ऑर्डर दी हो यार आप अपने लिए, फटाफट हाथ में चाहिए मुझे, गुस्सा जात। ये देख लो गाइस, अब इसके साथ आगे तो खोल के दिखा दो, इसी पे अटक गए। हां
बहुत देर में हो रहा है लेकिन चलो ये मैं रखती हूँ, इसको मैं बाद में करूँगी बट इसके साथ मैं टाइम स्पेंड करना चाहूँगी। और फाइनली गाइस कितना अच्छा है ये, तुम जैसे लोगों की ना नज़र लग जाएगी इसको क्योंकि तुम लोग ही हो जो मेरा म्यूजिक हमेशा ख़राब करते हो, कभी लाउड कभी स्लो कभी लाउड कभी ऐसे करके ना तुमने मेरे जो बटन है ना उसके म्यूजिक वो सब खराब कर दिया। हम बोले ना बोले इंसल्ट हमारी होती है बीच में, मतलब इन लोगों की वजह से गाइस यू नो जितने भी म्यूजिक मंगाए सब इन लोगों की वजह से खराब हुए हैं, तो फाइनली मैंने ये मंगाया है। और अब इस पे ना नजर मारने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, नजर मारने की मारना भी मत, वो जो टूटे फूटे वाले वो है ना जो रिटायर कर चुकी हूँ मैं उनको यूज करना, ये सिर्फ हम तो पहले भी वही यूज कर रहे थे नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि ये मैंने किया है। तो गाइज दिस इज फॉर मी एंड दिस इज फॉर यू गाइज, और नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज आएंगी सब इसी में रिकॉर्ड होंगी, सारी कुछ इसी से होगा। बहुत ही अच्छा है ये, यहाँ से आप देखो ये यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से वॉल्यूम इसका लाउड होगा कम होगा, ये आगे पीछे फॉरवर्ड और रिवर्स का दे रखा है पूरा, काफ़ी अच्छा है। और बाकी मैं जब भी इससे लाइव करूँगी वो आई थिंक यहाँ से भी ये होता है शायद ये अंदर से खुलता होगा, इसमें सैंडविच जैसे सैंडविच वाली मशीन आती है ना, मालूम ही नहीं था इतना बड़ा होगा, मैं तो इसे छोटा सा मुझे तो सैंडविच वाली मशीन लग रही है, ये बटन है खुलने का बीच में से खुलेगा सैंडविच बना लो। अभी मुझे पता नहीं कि इसमें कितना ज़्यादा बेस आने वाला है, बढ़िया है लेकिन अरे डेमो क्या गाइस मैंने ये ऑन कर लिया है, ये तानिया ने कर दिया है और अभी मैं यहाँ से इसको यस हेलो वाओ वेरी नाइस गाइस, आपको कैसा लग रहा है मतलब जो मैं हेलो बोल रही हूँ कैसा लग रहा है आपको मुझे बताओ कमेंट्स करके बताना क्या गाऊं नहीं आ रहा है कौन सा गाना गाऊं मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, तो मेरा फेवरेट गाना तो हुआ मैं थोड़ा रॉक वाला गाना गाना चाहती हूँ बिकॉज आई एम रियली सो हैप्पी गाइस, क्योंकि मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इतने टाइम से मैं वो पुराना खच्चर वाला म्यूजिक वो कर रही थी लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी मिल रही है सीरियसली। तो मैं गाना गाना चाहूँगी अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं जो भी वो करते हैं, तो मैं गाना गाती हूँ चलो एक कौन सा गाना गाऊं यार अभी तो ये प्रॉब्लम है, अरे कोई भी गा दो ना, लोगों की प्रॉब्लम है कि जब गाना गाने बैठते हैं ना तो उनको कुछ भी याद नहीं आता, वो मुझे पता है लेकिन कुछ भी गा दो, कुछ भी कुछ भी क्या गाऊं ना क्लैपिंग करो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखे So भाई बच्चे लोग भी कितना खुश हो रहे हैं कितना खुश हो रहे हैं नहीं मतलब नहीं हमने जैसे कभी माइक नहीं देखा हो और हम लोग ऐसे रिएक्शंस दे, हम लोग न्यू जनरेशन खुश होना कोई खुश होना कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात नहीं है। तानिया भी गाना चाहेगी एक्चुअली न्यू जनरेशन, सो चलो मैं पकड़ लेती हूँ गाइस, एक्चुअली तानिया शी इज वेरी गुड सिंगर और एक्चुअली इंग्लिश सॉन्ग बहुत अच्छे गाती है। गाइज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स डाल रखे हैं कवर कर रखे हैं, अभी सुना दो ना लोगों को, अभी नहीं ना अभी मेरा गला खराब है गाइस, इतना हेजिटेट इतना शाय, अब मुझे समझ नहीं आता है कि जब लोगों में क्वालिटी होती है लोगों में टैलेंट होता है तो वो अपना हाइड ना करके कर सकते हैं। और रॉक धूम मचा ले मत गाओ डो 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 धूम मचा ले धूम मचा ले धूम मचा ले धूम मचा ले क्या धूम मचा ले मेरे हाथ में माइक आ गया ना मतलब अच्छा है मैं गाती हूँ लाओ दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी निखरे मेरे हमदम ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना ना सीखा मैंने जीना मेरे हम खांसी होगी टैबलेट ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है विक्स की गोली लो खिचड़ी दूर करो ओहो दीपिका जी ये लीजिए आपका सब सामान तैयार ये नहीं वो नीली सुपर डिटर्जेंट टिकिया मैं तो भूल भी गई क्या बोल रहे लेकिन आप तो वो हमेशा महंगी वाली लेती थी वही महंगे दामों वाली क्वालिटी वही सफेदी वही चाक कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों ले वो ना ले मान गए किसे आपकी बार की नजर और निर्मा सुबह दोनों को सब निर्मा साबुन निर्मा
सौंदर्य साबुन। हेलो आंटी, आंटी आंटी मेरे ऑफिस में पार्टी है पर तुम रहने दो। आंटी 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 मिसेस वर्मा हेयर डाई क्यों क्या हुआ? लेकिन मेरे बाल, मेरी आँखें और मेरी स्किन। एक मिनट मैडम, ये गोदरेज हेयर डाई है, इसे लाखों लोगों ने पूरे आजमाया और अपनाया है। जैसे भी इसे क्या कट कर देना। तो गाइस, जैसे कि मैंने कमेंट्स में के व्लॉग में मैंने पूछा था लोगों से कि आप मुझे बताइएगा कलर कौन सा मुझे लगाना है, तो थैंक यू सो मच कि मेरे एक जो दोस्त हैं, यूट्यूबर दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप मैम ग्रे, डार्क जो ग्रे ब्लैक में है वो वाला कलर लगाएं। थैंक यू सो मच डियर कि आपने मुझे बताया ये चीज़, और मैं लगाने जा रही हूँ वही वाला कलर, क्योंकि आई एम रियली सो एक्साइटेड। इतने टाइम से मैं नेल पेंट नहीं था, येलो था ऑलरेडी उसमें, तो मैं अभी इसे लगाने जा रही हूँ। तो लेट्स सी कि ये कैसा लगता है मेरे हैंड पे। लेट्स स्टार्ट। और अभी देखती हूँ कि ये फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ वैसे मैं ये वाला कलर डार्क उसमें। आपको पता है गाइस कि मेरा ये वाला नेल ना ब्रेक हो गया। ये इनका लुक कि ये मेरे हैंड पे कैसे लग रहे हैं। और आई एम रियली सो हैप्पी गाइस कि इतने लॉन्ग टाइम बाद मैं कुछ डिफरेंट कलर लगा रही हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा नील पेंट लगा मैनू, जरा अपनी नजर उतार लो, रे नील पेंट लग गया सजना के लिए, नेल पेंट लग गया सजना के लिए। गाइस आपने कभी देखा है भूतनी को इतने अच्छे नेल पेंट लगाते हुए सजना के लिए? तो गाइस अभी ये वाला हैंड तो रह गया है मेरा, तो मैं अभी इसको करती हूँ कवर। गाइस देखिए हाथ कितना अच्छा, और इनकी फेस देखिए आप, कितना डरावना सा लग रहा है। भाग मत जाना इनका फेस देख के, वो थोड़ा ग्लिच आ गया है कैमरे में। सो व्हाट, फेस ऐसा है, नेल्स ऐसे हैं, सो उससे क्या फर्क पड़ता है गाइस? फर्क पड़ता है तो आपके हार्ट से, देखिए आपके हार्ट कैसा है, आपका दिल कैसा है, इंसान का दिल कैसा है गाइस, इंसान का बिहेवियर कैसा है, और इंसान कैसी प्रवृत्ति रखता है, वो चीज़ मायने रखती है। ठीक है, फेस से कुछ नहीं होता गाइस, फेस से बहुत कुछ होता भी है, मैंने माना ये चीज़, लेकिन उसके साथ अगर प्लस गुड क्वालिटी आपके में मतलब इन्वॉल्व हो जाए तो दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। आई डोंट नो कि वो मेरे अंदर है या नहीं है, वो नहीं है, तुम नहीं समझ सकते वो चीज़, जब मैं कह रही हूँ है ही नहीं, तुम नहीं समझ सकते वो चीज़। ये चीज़ सिर्फ वही समझ सकते हैं जो मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से, और शायद तुम अभी तक अनभिज्ञ हो, तुम नहीं जानती हो मेरे बारे में, और कुछ जानते ही नहीं आप, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेंज पर्सनैलिटी हो। मेरी फ्रेंड है सिमी, उन्होंने हमें इन्वाइट किया है डिनर के लिए, तो नाइट में इवनिंग लेट मैं जाने वाली हूँ सिमी के घर, तो मिलती हूँ आपको सिमी के घर। अब मैं आज हम आए हैं सिमी के घर पे डिनर के लिए। सिमी ने स्पेशली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिनर के लिए इनविटेशन दिया है सिमी ने, तो हम आज सिमी के हाथ का खाना खाने आए हैं। आप लोग भी उतना ही इंजॉय करेंगे जितना हम लोग इंजॉय करें गाइज। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बिकॉज हम लोग ऐसे एडवेंचरस चीजें करते रहते हैं बिकॉज ऑफ हर चैनल, बिकॉज आई डोंट हैव माइंड, आई हैव माइंड बट हाँ मैं उसमें इतना सब कुछ पोस्ट नहीं करती, बट आई एम जस्ट डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ हर। सो प्लीज गाइस और गाइस आप देख सकते हो कृष्णा ताना कितना एंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली, उनको सिमी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस बहुत अच्छा खाना बनाया, हम 5 स्टार देते हैं बिल्कुल, अच्छा रिव्यूज काफी अच्छे हैं, 10 out of 10। बच्चों ने तो पसंद कर लिया, अभी हम भी करने जा रहे हैं, तो अच्छा ही बना होगा डेफिनेटली। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में गाइस।
स्क्वाश बनाया है सिमी ने। ये कर्ड है और ये है नान और ये सिमी ने बनाया है पनीर और ये माँ की दाल बनाई है इन्होंने और बच्चे कर रहे हैं बहुत इंजॉय। हेलो गाइस, सो इट्स मी शिपांजलि कशिश फ्रेंड। सो कशिश कम तो गाइस अभी हमारा जाने का टाइम हो गया और हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। अभी डिनर भी बहुत अच्छा लगा था, बहुत टेस्टी था, बहुत पेट भर चुका। किसने बनाया था कशिश डिनर? मैंने, सिमी ने बनाया था एक्चुअली। कैसा लगा तुमको? बहुत टेस्टी था। बहुत खाने में क्या क्या था? माँ की दाल थी और पनीर था और नान थी स्पेशली। बहुत सो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अभी हम थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। यस एक्चुअली मैं वॉक कर रहे हैं और अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे बिकॉज कशिश को अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ना है। एक्चुअली मैं तो जा रही थी बट सिमी ने बोला कि नहीं मुझे जाना है छोड़ने का मन नहीं कर रहा। बहुत जल्दी हम आपको एक सीक्रेट है वहाँ मिलने वाले हैं, वो सीक्रेट अभी हम ओपन नहीं करेंगे। यस अगर आपको हम लोगों का वो सीक्रेट जानना है तो आप लोगों को हमारे साथ बने रहना होगा व्लॉग में और बने रहने की भी जरूरत नहीं है, यू नो लाइक भी करना होगा। यस यू नो वेरी वेल कशिश चावला, सो प्लीज उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें जितना से जितना हो सके प्लीज, थैंक यू। और सिमी का जो चैनल है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। yes. आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें गाइस। yes. आज का व्लॉग मैं अभी खत्म कर रही हूँ बिकॉज आई एम सो टायर्ड। नाइट भी काफी हुआ है, नाइट का 2:00 हो रखा है। तो गाइज मैं आपका ये जो मेरा ब्लॉग है मैं ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो गाइज अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट गाइज।